हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बेटा आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज बाय मैजिक हेक्सागन ट्रिक। ये ट्रिक मैं आपके लेके आया हूँ, बहुत सारे वीडियोज हैं इसके आपके ऑनलाइन, बट मैं आपको समझा रहा हूँ उसको बहुत इजी तरीके से। एक चीज ध्यान रखनी है आपको बेटा, हमें अब एक्सरसाइज 8.4 करनी है, तो मैं ये वीडियोज आपके लिए इसलिए लेके आया हूँ बेटा बिकॉज एक्सरसाइज 8.4 पे पूरा निचोड़ है ट्रिग्नोमेट्री का, सारे कॉन्सेप्ट यूज होने हैं फॉर्मूले इसके, तो अब आपको पता होना चाहिए। टेबल के लिए भी मैंने पहले ही सेकेंड वीडियो में अपना टेबल का ट्रिक मैंने बता दिया है आपको कैसे फाइंड होना है। अब जो यहाँ पर यूज करना है बेटा हमें, वो क्या पढ़ना है हमें, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। बट यहाँ पे जो मैं ट्रिक करवा रहा हूँ बेटा वो मैजिक हेक्सागन है। मैजिक हेक्सागन क्यों बेटा, बिकॉज इसी एक हेक्सागन से हम सारे फॉर्मूले पढ़ लेंगे अपने ट्रिग्नोमेट्री के, जो भी रेशियोज के फॉर्मूले हैं, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट्री है चाहे वो पाइथागोरियन फॉर्मूला है। तो आइए देखते हैं कैसे। तो बहुत अच्छे से समझना है बेटा ऐसे, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब और शेयर बेटा जरूर करना, बिकॉज नॉलेज बढ़ने से बढ़ती है बेटा। तो मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, ऑनलाइन दे रहा हूँ इस लॉकडाउन में, और आपको बहुत ही अच्छे से अपने दोस्तों को भी शेयर करना है ताकि उन्हें भी इस चीज़ों को, इस ट्रिक को वो भी समझ पाए, करेक्ट। तो आइए देखते हैं बेटा। तो बेटा करना कुछ नहीं है, जैसा मैं बता रहा हूँ पहले तो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि ये हेक्सागन तैयार कैसे करना था। देखो बहुत ही इजी है बेटा, एक हेक्सागन तैयार हो गया बेटा, करेक्ट। नाउ आपको एक फॉर्मूला जो मैंने पहले बताया था बेटा वो क्या है बेटा हमारे पास, कि टेन थीटा वो साइन थीटा अपॉन बेटा क्या होता है, कॉस थीटा, करेक्ट। अब आपको ये हेक्सागन बनाने के बाद कुछ नहीं करना, क्या करना है बेटा, सिर्फ जो मैं ये चीज बताऊं, ये जो तीन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स है, रेशियो है, उनको यहां पर डालना है और सारे फॉर्मूले तैयार कैसे। देखो पहला टेन थीटा मुझे यहां लिख देना बेटा, जैसे मैंने यहां पे लिखा हुआ, आप एक बनाओगे दो बनाओगे बहुत इजी से आपका तैयार हो जाएगा बेटा, बहुत इजी से। बस ये एक हेक्सागन तैयार कर लो आप लिख के, आपके सारे फॉर्मूले तैयार। देखते कैसे, टेन थीटा है बेटा साइन अपॉन कॉस है, तो साइन अपॉन कॉस है तो साइन को मुझे यहां रख देना बेटा और कॉस को यहां रख देना है, करेक्ट। अब देखोगे बेटा साइन कॉस हमने लिख दिया, अब जो बारी है हमारे पास बेटा यहां पर क्या लिखना है आपको बेटा, कॉस थीटा, यहां पर क्या लिखना है कॉस सेक थीटा, और यहां पर बचा हुआ हमारे पास सेक थीटा। बस आपको एक बार लिखना है, बोले सर आपको तो याद था आपने लिख दिया, तो आपको क्या करना है बेटा यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन डालनी है बेटा, वर्टिकल के लाइन के सब इस साइड बेटा देख लो आप 3c है, करेक्ट, कॉस कॉट कॉसेक और इधर साइन टेन एंड सेक है। तो इस 3c से बेटा, 3c हमारे पास बेटा क्या है, लाल पंद्रह में सिनेमा हॉल है, 3c से आप याद रख सकते हो भैया, ठीक है। तो वहां से हमारे पास कॉस कॉट और कॉसेक आ गया, वैसे भी टेन साइन कॉस, एक कॉस मिल गया, टेन का उल्टा कॉट और सेक का हमारे पास जो है यहाँ पे सेक के सामने कॉसेक। बस आपको एक बार ये बनाना है, करेक्ट। ये बनते ही बेटा अब आपको एक दो बार बनाओगे तो ये बनना स्टार्ट हो जाएगा आपसे, टेन साइन कॉस आपके पास कॉट कॉसेक एंड सेक, ये बनते ही अब हम फॉर्मूले को स्टार्ट करते हैं, देखिए कैसे। तो पहला जो फॉर्मूला है बेटा मेरा वो क्या है कि आपको एक चीज ध्यान देखनी है बेटा, घड़ी देखते हो, घड़ी बेटा क्या, घड़ी के डायरेक्शन क्या बोलते हैं बेटा, क्लॉकवाइज, करेक्ट। और घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन को बेटा हम क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, करेक्ट, ये बोलते हैं बेटा। तो अब यही दो चीजें हम इसके लिए घुमाएंगे, एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज, और हमें बेटा 6 और 6 12 फॉर्मूले तैयार मिल जाएंगे, कैसे आइए देखते हैं बेटा, करेक्ट। देखिए बेटा हमें क्या करना है, एक बार आपको इसको क्लॉकवाइज घुमाना है, तो क्लॉकवाइज घुमाते हैं, ठीक है बेटा। देखो आप 10 से स्टार्ट करो, इसको आप स्टार्टिंग पॉइंट मान लो, 10 से स्टार्ट करो, तो आपको क्या करना है बेटा, 10 थीटा ये मैंने क्लॉकवाइज किया है बेटा, जब हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो 10 थीटा को बेटा मैं किसके बराबर लिखूंगा, दिस अपॉन दिस, अगर ये फर्स्ट है तो सेकंड अपॉन थर्ड, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। नाउ अब आ जाओ, अगर बेटा मैं साइन पे आ गया बिकॉज 10 के बाद खत्म साइन पे आया, तो साइन साइन के नेक्स्ट क्या आएगा, साइन फर्स्ट है सेकंड थर्ड,
मतलब साइन थीटा किसके बराबर बेटा, कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा, करेक्ट। अब ये फर्स्ट, तो कॉस थीटा बराबर बेटा क्या हो गया, कॉट थीटा अपॉन में कॉसेक थीटा, करेक्ट। नाउ कॉट पे आ गए, तो कॉट थीटा बेटा किसके बराबर आ गया, कॉट थीटा फर्स्ट तो सेकंड थर्ड कॉसेक थीटा अपॉन सेक थीटा, करेक्ट। अब बेटा किसकी बारी आ गई हमारे पास, कॉसेक की, तो कॉसेक थीटा बेटा किसके बराबर आ गया हमारे पास, सेक थीटा अपॉन क्या टेन थीटा। मैं तुम्हें बताना क्या चाहूँ बेटा, जिसको भी आप फर्स्ट मानोगे उसके नेक्स्ट को सेकंड थर्ड मानो और रेशियो सेकंड अपॉन थर्ड, आपका फॉर्मूला तैयार, करेक्ट। और लास्ट हमारे पास बेटा क्या है, सेक थीटा। तो बेटा सेक थीटा दोस्तों बच्चों कैसे करना है, हमें फर्स्ट और सेकंड थर्ड टेन थीटा अपॉन में साइन थीटा। बेटा सिर्फ हमने क्लॉकवाइज घुमाया इस हेक्सागन को और छह फॉर्मूले हमने तैयार कर लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कोई डाउट ही नहीं आया होगा बेटा आपको, छह फॉर्मूले तैयार, करेक्ट। याद करना सबसे इजी ट्रिक है बेटा हमारे पास ये। अगले छह फॉर्मूले देख लेते बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं बेटा हम, ठीक। मतलब डायरेक्शन इस तरीके से होगा, अब सेम कहीं भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, टेन थीटा फर्स्ट है बेटा तो एंटी क्लॉकवाइज सेक अपॉन सेक थीटा अपॉन बेटा कॉसेक थीटा। बेटा एक चीज बात आ रही है, हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, आपको एक साथ 8.4 में पता लगेगा कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, वहां पर आपको जरूरत पड़ेगी। आप छट पढ़ाओगे कि सर हमें फॉर्मूला टेन थीटा का मैं साइन कॉस में कन्वर्ट कर पाता तो बहुत ईजी हो जाता, तो वो आपको यहाँ पे हेल्प कर देगा। तो टेन थीटा सेक थीटा अपॉन में कॉसेक थीटा, सेक थीटा बेटा सेक थीटा हम देख रहे हैं कॉसेक थीटा अपॉन में कॉट थीटा, नेक्स्ट आ गया कॉसेक थीटा, बेटा कॉसेक थीटा हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास कॉसेक थीटा कॉट थीटा अपॉन में कॉट थीटा अपॉन में बेटा क्या कॉस थीटा। इस तरीके से बेटा जब हम नेक्स्ट पे आ जाएंगे तो हमारे पास हम कॉसे पे पहुंच गए, तो कॉट अपॉन में बेटा क्या हो गया कॉस थीटा, अब हमारे आएंगे कॉट थीटा पे। बेटा कॉट थीटा हमारे पास क्या करना है, बस एक एक करके छोड़ते जाना और एक दूसरा तीसरे को अपॉन रेशियो में ले लेना। बेटा कॉट थीटा हमारे पास क्या जाएगा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा बेटा। अब आ जाओ कॉस थीटा पे बेटा, तो कॉस थीटा फर्स्ट तो हमारे पास सेकेंड अपॉन थर्ड साइन थीटा अपॉन में टेन थीटा, और जब बात आ रही है हमारे पास साइन थीटा की, तो साइन थीटा बेटा हमारे पास क्या हो गया टेन थीटा अपॉन में बेटा सेक थीटा। तो ये हमारे पास क्लॉकवाइज के छह और एंटी क्लॉकवाइज के छह बेटा, तो 12 फॉर्मूले हमारे पास फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक से इस सुपर हेक्सागन से हमने बेटा तैयार कर लिया। तो हमने सीखा क्या बेटा, कुछ भी नहीं, हमने क्या किया टेन थीटा सीखा, तो बहुत कुछ करना कुछ नहीं पड़ा हमें। टेन थीटा बेटा हमारे पास क्या आया, साइन अपॉन कॉस, साइन कॉस अपॉन कॉट, किया क्या बेटा हमने क्लॉकवाइज गए एक को छोड़ के सेकंड अपॉन थर्ड, एक को छोड़ के सेकंड अपॉन थर्ड, वैसे एंटी क्लॉकवाइज में किया। आई होप आपको वीडियो यहां तक बहुत अच्छी लगी होगी बेटा, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आ गया होगा, वीडियो पॉज करके बेटा आप नोट डाउन कर सकते हो। एक मिनट देता हूं मैं, नेक्स्ट आता हूं बेटा, मैं इस हेक्सागन को ऐसी बने रहने देता हूं बेटा, बाकी फॉर्मूले अगले फॉर्मूले पे हम जाने के लिए इसको रब करेंगे। और अब जाने के लिए बेटा नेक्स्ट फॉर्मूले को पढ़ने के लिए, अब हमारे पास जो हमें नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ना है वो रेसिप्रोकल फॉर्मूला पढ़ना है। कैसे रेसिप्रोकल फॉर्मूला पढ़ना है बेटा, आपको क्या करना है बेटा, सिंपल यहां पर देखना है, अगर मैं इसको डायगनली लूंगा बेटा, डायगनली कैसे बेटा, हमारे पास तीन डायगनल बन जाएंगे यहाँ पे, पहला दूसरा और तीसरा। बेटा यहां पर आप क्या देख रहे हो कि साइन और कॉस सेक का डायगनल बन रहा है, कॉस और सेक का डायगनल बन रहा है, टेन और कॉट का डायगनल बन रहा है। तो हमने यहां से ये देखा, तो मैं यहां पर रेसिप्रोकल बताऊं तो भैया साइन थीटा का रेसिप्रोकल यहां पर क्या रहा बेटा, कॉसेक, मैं इसको लिख सकता हूं वन अपॉन में बेटा कॉसेक थीटा, करेक्ट। अब आ जाते हैं कॉस पे,
बेटा cos थीटा आप देख पा रहे हो, so cos थीटा रेसिप्रोकल sec, तो 1 अपॉन में sec थीटा, करेक्ट बेटा। अब आ जाओ बेटा हमारे पास क्या tan थीटा, तो tan थीटा का रेसिप्रोकल बेटा क्या होगा हमारे पास cot थीटा, तो 1 अपॉन में cot थीटा, करेक्ट। अच्छा अगर यहाँ पर ये तीन फॉर्मूले, तीन से देखो ये तीन और कैसे बन जाएंगे, देखो बेटा अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर साइन इंटू कॉसेक, साइन थीटा इंटू में कॉसेक थीटा क्या बन गया बेटा वन, करेक्ट। सेम कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा क्या बन गया बेटा वन, मतलब कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, ये बनता ही जा रहा है फॉर्मूला, ही फॉर्मूला बनता जा रहा है, हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही दोस्तों। टेन थीटा इंटू में कॉस थीटा इक्वल टू वन, मतलब इस वीडियो के बाद ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत ज्यादा इजी लगने लगी बेटा, ये मेरा दावा है अगर आपने अच्छे से कर लिया इस फॉर्मूले को। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास छह फॉर्मूले तैयार हो गए इस रेसिप्रोकल कॉन्सेप्ट से, तो ये हमने डायगनल को एक दूसरे के भैया क्या किया है रेसिप्रोकल कर दिया है, और इसी से बेटा हमारे पास फॉर्मूला तैयार है, करेक्ट। अच्छा यहाँ पे वन लिख दो, ये वन कहाँ से आया आपको, यहाँ पर मैंने यहाँ पे वन लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या लिख लेना है वन लिख लेना बेटा, ताकि ईजी हो जाए आपके लिए, आप इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं बेटा, अब हम इस पर मैं हेक्सागन खुद भी मिटा दूंगा, और हेक्सागन इसलिए मिटा दूंगा ताकि आपको एक बार चांस दूं, अब अपनी कॉपी पे एक मिनट लो और बनाओ हेक्सागन बिना देखे कैसे होगा, मैं भी यहां पे बनाता हूं दोबारा से। यहाँ लिखना है tan थीटा, तो tan हमारे पास होता है बेटा sin थीटा अपॉन cos थीटा, C3C में जाना है लाजपत नगर के, तो cos हो गया तो बेटा यहाँ आ गया cot थीटा, और cot है तो बेटा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा, बिकॉज 3C में तीन C आते हैं बेटा एक साथ भैया, क्योंकि लाजपत नगर है ना, तो C वाले एक साथ रहते हैं भैया, चैंपियन चैंपियन चैंपियन, और sec हमारे पास है sec थीटा, करेक्ट। तो हमारे पास छह यहाँ पे वर्टिसेस मिल गए इसके, ठीक है, हमने यहाँ पे बेटा का डायगनल बनाया, तो डायगनल आपको हमने जोड़ के बताया था, एक डायगनल दूसरा डायगनल और यहाँ पे ये तीसरा डायगनल, करेक्ट। और अगर डायगनल के बीच में यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या डाल दूं बेटा वन डाल देता हूँ, यहाँ पे क्या है ये वन है, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं ट्राइंगल ही डिजाइन के लिए बना रहा हूँ ना, ये एक साथ ही यहाँ पर एम मिलेंगे बेटा, ध्यान रखना, तो ये वन है हमारे पास, ठीक है, ये बीच में हमारे पास क्या है ये वन है, तो इस वन को मैग्नीफाई करके मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, ये हमारे पास क्या है वन है, ध्यान रखना है, ये आपके पास क्या है वन है, करेक्ट। तो अगर बेटा ये वन है हमारे पास, ठीक, तो अब हमें पढ़ना है बेटा क्या कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला, ठीक है बेटा, क्या होता हमारे पास, कुछ नहीं करना बेटा हमें यहाँ पर, बस सीधे सीधे देखते जाओ, सीधे सीधे देखो बेटा। कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला मतलब अगर कोई रेशियो थीटा मतलब एंगल थीटा है तो उसका 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो हमने साइन का क्या पढ़ा था बेटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन के सामने क्या बेटा कॉस, तो ये अपने आप आ जाए कॉस थीटा, सामने सामने देखोगे सभी आंसर मिल जाएंगे, टेन के आगे टेन 90 माइनस थीटा बेटा क्या हो जाएगा, टेन के सामने क्या है कॉस थीटा, आगे आ जाओ सेक, सेक के सामने भैया क्या है कॉसेक थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, अब इसके कह रहे ना मेरे सामने वाले खिड़की पे कौन रहता है, चांद का टुकड़ा नहीं रहता है, अब क्या रहता है रेशियो के आगे रेशियो ही रहता है, यहाँ पे साइन के आगे कोई टुकड़ा नहीं है कॉस है, टेन के आगे कोई टुकड़ा नहीं है कॉट है, सेक के आगे कोई टुकड़ा नहीं है कॉसेक है, तो भैया इसके सामने है तो ये भी तो इसके सामने ही होगा, तो लो तीन फॉर्मूले और तैयार हो गए, कॉस के सामने बेटा क्या हो गया हमारे पास कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस के सामने इसका चांद का टुकड़ा कौन है साइन, ठीक है, कॉट का भैया कॉट 90 माइनस थीटा बेटा क्या हमारे पास टेन थीटा, और कॉसेक का हमारे पास कॉसेक 90 माइनस थीटा बेटा क्या हमारे पास सेक थीटा, करेक्ट। ठीक, मैंने वहीं पे बताया होगा पहले भी आपको कि साइन बेटा किस में चेंज होता है हमारे पास कॉस, यहाँ भी सामने ही सामने में है कॉस साइन में, टेन बेटा किस में
कॉट में, कॉट टेन में, और कॉसेक किस में, सेक में, सेक कॉसेक में। भैया तीस छह छह फॉर्मूले हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री तैयार हो गए इस मैजिक हेक्सागन से। कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए किसी को। वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो, आज मिल रहा है कल नहीं मिलेगा, लॉकडाउन कहीं बढ़ गया तो और कहाँ मिल पाएगा। ठीक है, वैसे बढ़िया भी है लॉकडाउन है तो मैं वीडियोस देता रहूँगा आपको ऑनलाइन, करेक्ट। बस आप पढ़ाई जारी रखो अपनी। कोई डाउट, आई होप आपने इसे वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लिया होगा। अब लास्ट फॉर्मूले पे आते हैं दोस्तों। बस लास्ट हम स्टेज पे पहुंच चुके हैं, हमारे पाइथागोरियन फॉर्मूला जो रिलेशन था मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब भैया देखो, उस इंपॉर्टेंट को पढ़ने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ी कलाकारी कर देनी है। कलाकारी क्या, हमारे पास जो फॉर्मूला था साइंस को थीटा प्लस कॉस को थीटा वन था, sec square theta minus tan square theta 1 था, cos square theta minus cot square theta 1 था। तो ठीक है, हम इस फॉर्मूले को पढ़ लेते हैं इस मैजिक हेक्सागन से। तो हमने क्या करना है, sin cos में रिलेशन डालना। तो बस आप इसको शेड कर लो, तो डिजाइन बना दे तो बच्चा पढ़ता है। ठीक है, मुझे लगता है ऐसा। ठीक है, उसके cos cot में तो ये मैंने cos cot में कर लिया। ठीक, और sec tan में तो sec tan को रिलेट कर लिया। बस डिजाइन तैयार। डिजाइन तैयार होते भैया मैं क्या कर लूंगा, आपको फॉर्मूले तैयार कर दूंगा। कैसे, देखो आपको इनमें एक बार क्लॉकवाइज जाना है, इसमें भी क्लॉकवाइज जाना है, और इसमें भी बेटा क्लॉकवाइज जाना है। तो बस बीच में बेटा वन है, मैं थोड़ा मैग्नीफाई करके देखता हूँ, वन कोई वन का रिलेशन था ये। तो बस आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें क्लॉकवाइज चलो तो क्लॉकवाइज साइन से चला है, तो साइन स्क्वायर थीटा, अगर क्लॉकवाइज चला तो ध्यान रखना प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दो का स्क्वायर का सम तीसरे के बराबर कर देना मतलब वन। इस ट्रायंगल में क्या करना है आपको, जहां से स्टार्ट करना है उसका स्क्वायर अगर क्लॉकवाइज है तो प्लस लग जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। पहला फॉर्म रहता है, दूसरे पे आ जाओ। दूसरा किससे चला है बेटा, वन से चला है, तो वन हमारे पास वन से स्टार्ट करेंगे हम फॉर्मूले को, तो भैया हमारे पास क्या हो जाएगा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा यहाँ पे चला बेटा सेक से, तो सेक स्क्वायर थीटा हमारे पास यहाँ से फिर से वन से चला लो बेटा, सॉरी यहाँ फिर से वन से चला लो, तो वन प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा हमने ये चलाया और यहाँ पर जो है आप ये देख पा रहे हो हमारे पास ये रिलेशन तैयार हो गया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना बेटा, हमने टेन से सारी चीज स्टार्ट की है तो इसको भी हम टेन से स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, ये कोई ऐसा रूल नहीं है बट हम बस पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज ये जो पूरी ट्रिक है वो पैटर्न पे ही है। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इज इक्वल टू हमारे पास क्या बेटा, सेक स्क्वायर थीटा। तो अगर आप रीअरेंज करें तो फॉर्मूला बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। तो बहुत ही बेहतरीन सा फॉर्मूला है ये, अगर इसी को रीअरेंज कर सकते हो आप। इसको एंटी क्लॉकवाइज भी ले लो, बस एंटी क्लॉकवाइज में क्या करना आप बेटा माइनस ले लेना। जैसे अगर मैं इसको स्टार्ट करूँ, अगर एंटी क्लॉकवाइज तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, बात वही रह जाएगी, बिकॉज इसको हम क्या कर सकते हैं बेटा, रीअरेंज कर सकते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ लिए अपने ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला के, वो इसी मैजिक हेक्सागन ट्रिक से पढ़ लिए हमने, और इससे आपको बेटा सारे फॉर्मूले एक तरीके से आ गए, चाहे वो रेसिप्रोकल के फॉर्मूले हो, चाहे कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले हो, चाहे ये बेसिक पाइथागोरियन रिलेशन हो, चाहे हमारे पास आपके साइन कॉस टेन आपस में रिलेशनशिप हो इसकी उसके फॉर्मूले हो, तो सब हमने एक ही ट्रिक हेक्सागन से पढ़ लिया। तो आई होप ये ट्रिक आपके बहुत काम आएगी, और नहीं भी काम आई आपके, आपको लगता है बहुत वो है, तो सारे फॉर्मूले को एक साथ लिख के आप जो है लर्न अप कर लो। टेबल मैंने लर्न करना बताया था बेटा आपको, साइन जीरो कॉस जीरो टेन जीरो टेन नाइन्टी, जीरो से लेके 90 तक की टेबल हमने तैयार की थी। आई होप इस वीडियो को आप लाइक करोगे और चाहोगे कि हम अच्छे तरीके से जो है इसको सीख सकें। और भी कुछ नहीं करना आपको, दो चार बार बनाओगे अपने आप आ जाएगा आपको। ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में फंस गए फॉर्मूला नहीं आ रहा, ये ट्रिक आपको बस ये सिंगल डायग्राम बनाना है बेटा, और इस सिंगल डायग्राम से जो फॉर्मूले आप चाहोगे वो कर लोगे, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा दूर तक पहुँचाओ इस ट्रिक को। चलो मिलते हैं एक्सरसाइज 8.4 में, थैंक यू।